बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स, और खुशी रहिएगा और बिजी रहिएगा। जितना बिजी रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। तो मेरी बन रही है फ्रेंड्स चाय। तो अभी तक जो मैंने ब्लॉग आपके साथ मैंने शेयर किए थे ना, सारे अपने ट्रेवल ब्लॉग थे, आने जाने के, तीज त्योहार के। फाइनली हम लोग अपनी दुनिया में वापस आ गए हैं, अपने क्वार्टर में आ गए हैं, अपनी रसोई में आ गए हैं। मैं, मेरी रसोई और मेरा काम और मेरी चाय। अभी चाय बन रही है, चाय बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुका है हमारा डेली रूटीन स्टार्ट, और अपनी हम दुनिया में वापस आ चुके हैं। वही काम, वही किचन, वही सब, वही लाइट, कमरा, कैमरा, एक्शन। फ्रेंड्स मेरा तो मोबाइल स्टार्ट होती सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रेंड्स सपने देखने में क्या जाता है, सपने तो देखने चाहिए ना फ्रेंड्स। सपने देखेंगे तभी ना पूरे होंगे ना, तो सपने तो फ्रेंड्स देखने चाहिए। और मैं तो बहुत सपने देखती हूँ और कोशिश भी करती हूँ पूरा करने की, बट अभी ना कोशिश अभी ही हो रही है, पहले इतनी समझ नहीं होती है। एज के साथ साथ में ना फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें साफ होती चली जाती हैं, अगर आप समझना चाहें तो, और ना समझना चाहें तो फिर कभी नहीं होती हैं। तो ये समय ना फ्रेंड्स बहुत कीमती होता है। और यहाँ पे देखिए मैं कैसे पानी पी रही हूँ ओक से, क्योंकि मैंने ना सारे किचन साफ़ कर दी, बर्तन साफ़ कर दिए मुझे, मतलब ग्लास साफ़ करने के लिए मैं आलस कर रही थी। मैंने कहा फिर ऐसे पानी पी लेती हूँ ओक से, और बहुत टेस्टी पानी लगता है फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। झाड़ू मैंने लगा दिया था, पोछा मैं लगा दूँगी जल्दी से। और ना आज तो, मतलब शाम को ना हमारे मैडम के यहाँ पे छोटी सी पार्टी थी, टी पार्टी थी, तो वहाँ जाना था। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, यूट्यूब की दुनिया में हम लोग इतना बिजी है ना कि छोटी, मतलब इन सब चीज़ों के लिए ना हमें स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। और आज खाना ना सभी ने बहुत लेट से खाया, तो 3:30 बज रहे थे। तो हस्बैंड जी बोले कि रोटियाँ सेक दो, सब्जी तो बनी रखी थी, तो बस वही है, मैंने कहा फटाफट से सेक देती हूँ, उसके बाद मुझे रेडी होना था। सारा काम मेरा घर का फ्रेंड्स हो चुका था, मॉर्निंग में कर लिया था। बस वही है ना, फिर दिन भर में यूट्यूब का काम रहता है, वीडियो बनाओ, अपलोडिंग करो, फ्रेंड्स की वीडियो वॉचिंग ना, तो ये भी ना, मतलब इसी में पूरा दिन हमारा निकल जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फ्रेंड्स लकलवी मॉम ब्लॉग। तो आज ना खाना दोपहर में किसी ने भी नहीं खाया था, तो मैंने अभी बना के दिया। ऐसे ही है ना, कभी कभी खाती नहीं है। तो गाइस एक मैडम के यहाँ है छोटी सी पार्टी, तो चलते हैं वहाँ पे, फिर मैं मिलती हूँ। क्या तो फ्रेंड्स हम चल दिए हैं टी पार्टी के लिए, और आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए। हम हाउसवाइफ की पार्टी में हम कैसे एंजॉय करते हैं, बस ऐसे ही फ्रेंड्स। यहाँ के एंजॉय, हम लोग की एंजॉय बस यहीं कैंपस में ही होती है, क्योंकि हम लोग तो सिटी से बहुत दूर, मतलब दूरी हैं, 15-20 किलोमीटर फ्रेंड्स दूरी होता है, सब चीज़ें यहाँ से दूरी होती हैं। और JNV हमेशा ऐसे ही इलाके में होते हैं, सिटी से दूरी होते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा। और ये कैंपस की वीडियोस वगैरह सब मेरे चैनल पे अपलोड हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ी देर हम लोग एंजॉय करेंगे। और गाइस ना यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, जब हम ट्रांसफ़र होकर आए थे ना, सबसे ऊपर जो आप लोगों को घर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रहते थे। आप मेरी पुरानी वीडियो चेक करेंगे ना, तो आपको मतलब उसमें यही सब दिखेगा। फिर हम लोगों का क्वार्टर चेंज हो गया था, तो यहाँ पे भी आके वही अपनी 5 साल रहे थे फ्रेंड्स। तो वही पुरानी यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं हम लोगों की, और 5 साल हम लोग यहाँ पे रहे थे फ्रेंड्स ना। तो ममता मैडम है, इनका ये वाला क्वार्टर था नीचे वाला, और मेरा क्वार्टर फ्रेंड्स ऊपर वाला था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ बैक से, बैक में कैसे हम लोग कपड़े वगैरह सुखाते थे यहाँ पे। और बैक में ना ये बॉयज़ हॉस्टल है, तो यहाँ पे था फ्रेंड्स हम लोगों का क्वार्टर ना। और अभी तो हम लोग स्टाफ क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गए, जैसे आप लोग मेरी वीडियोज़ तो देखते ही हैं। और यहाँ पे बस हमारी पे टी, वही पार्टी वगैरह चल रही थी, थोड़ी मस्ती। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक करना ना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। और जो भी मेरे चैनल पे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो और ना, आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो आप पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जो वीडियोस होती हैं वो JNV के अंदर की ही मिलती हैं। यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो हम लोगों की लाइफ होती है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और ना जब इस तरीके से होते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि हम क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। अकेले में तो हम लोग काफ़ी कुछ बोल लेते हैं, तो अब तो पहले से ना बहुत कम, मतलब वो कहते हैं ना हेजिटेशन रह गई है, पहले तो बहुत थी, अब तो मैं कर लेती हूँ ब्लॉगिंग। अब तो मुझसे कहीं पे भी करवा लो आप ब्लॉगिंग वगैरह या बातें जो भी है, ये चीज़ तो यूट्यूब से हम लोगों ने सीख ली है, बोलना सीख लिया अच्छे तरीके से, किस तरीके से बातें हैं और क्या अपनी बात को कहना, बहुत कुछ आ गया है फ्रेंड्स यूट्यूब से।
तो थैंक यू यूट्यूब और फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा आप लोग भी हम लोगों का। और यहाँ पे फ्रेंड्स हो चुकी है पार्टी ओवर, हम लोग चल दिए बस अपने घर के लिए। और थोड़ी सी हम लोगों ने रील बनाई थी तो वो मैंने आप लोगों के साथ में स्टार्टिंग में शेयर कर दी है और एंड में अच्छे तरीके से शेयर कर रही हूँ। और वही थोड़ा सा कॉपीराइट का गाने का थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर इसलिए मैंने गाना जो है म्यूट कर दिया फ्रेंड्स ना। और यहाँ पे ना सब लोग फिर इवनिंग वॉक के लिए जा रहे थे और फिर मेरे को तो घर में फ्रेंड्स काम करना था और मेरे को वीडियो भी अपलोड करनी थी, तो फिर मैं आगे जा रही हूँ। तो हमारी मैडम थी केरल की, तो ना यहाँ पे मतलब वही ना थोड़ा ठंड रहती है ज्यादा और साउथ में तो कम ही ठंड होती है, तो नॉर्मली ये कि थोड़ी ठंड तो लगती ही है ज्यादा वहाँ के जो भी हैं लोग फ्रेंड्स सब हेलो बोल रहे हैं। पता है फ्रेंड्स मैं सोच रही थी ना कि घर पे आके फिर ब्लॉग मतलब एंड करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, देर काफी हो गई थी। फिर मैं खाना पीना बनाने लगी और यहाँ पे रील्स तो मैंने जब भी बना ली थी है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग को देखी होंगी मेरे चैनल पे, उस पर इंस्टा पे चैनल बोल रही हूँ, चैनल पे भी देख लीजिए, बट गाना नहीं है इसमें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लाइक किया मैं बिल्कुल भी नहीं जाना, सबने बहुत इन्जॉय किया। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे ना नई ब्लॉग में, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।